हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3। आज हम अपनी वसंत बुक का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, उसकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा लिखित नादान दोस्त, यह जो पाठ है वो एक कहानी है। इसके अंदर दो बच्चे हैं जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की, दोनों भाई बहन हैं, केशव और श्यामा। तो जो दोनों होते हैं, उस समय पर गर्मी का समय होता है, तो उनके घर पर एक जो दीवार होती है जिसका ऊपरी भाग होता है, वहाँ से कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्निस। तो उस कॉर्निस पर एक चिड़िया वहाँ पर अंडे देती है, 3 अंडे देती है। तो जो दोनों बच्चे होते हैं वो उन 3 अंडों को देखना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो अंडे कितने हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा रहती है, बहुत उत्सुकता रहती है कि वहाँ पर अंडे कितने हैं, किस तरीके के हैं, क्या उनमें से बच्चे निकले हैं, अंडों का रंग क्या है, चिड़िया उनकी देखभाल किस तरीके से करती है, घोंसला कैसा है। इस तरीके के उनके मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनकी जो माजी होती हैं वो उन दोनों को सुला देती हैं दोपहर में, लेकिन उनको तो अंडों को देखने की जिज्ञासा होती है। तो जैसे ही उनकी माजी सो जाती है, वो दोनों आँख बचाकर कमरे से बाहर निकलते हैं और उस कॉर्निस पर चढ़ते हैं उन अंडों को देखने के लिए। अब देखिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इसके लिए वो एक स्टूल का इंतजाम करते हैं और स्टूल की सहायता से उस कॉर्निस तक पहुँच जाते हैं। और जो केशव होता है वो देखता है कि वहाँ पर 3 अंडे होते हैं जो घास फूस पर पड़े हुए होते हैं। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये घोंसला है, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो वो उन अंडों की देखभाल करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन जो उसकी श्यामा है उससे बोलता है कि तुम जाकर एक छोटा चिथड़ा जो गद्दा होता है कपड़े का वो लेकर आओ। तो उस घोंसले के ऊपर वो गद्दा लगाता है, जिस पर वो उन 3 अंडों को अपने हाथ से रख देता है। उसके बाद उन अंडों के लिए और चिड़िया के लिए पीने के लिए पानी रखता है, कुछ चावल रखता है, और धूप से बचने के लिए वहाँ पर एक कूड़े की जो बाल्टी होती है उससे छाया कर देता है। वो सोचता है कि चिड़िया बेचारी अकेली इतनी दूर तक अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी लेने जाती है, तो वो बेचारी थक जाती होगी, तो जिस वजह से अगर मैं उसकी सहायता करूँगा तो उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो वो चिड़िया की मदद करना चाहता है, तो जिस वजह से वो वहाँ पर सारी जो सहायता के लिए सामान होता है वो रख देता है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, तो जब वो शाम को 4 बजे देखते हैं, तो वो उसकी छोटी बहन क्या देखती है कि सारे अंडे नीचे फूटे पड़े होते हैं। तो उसकी बहन सोचती है कि भाई ने इन अंडों को ढंग से नहीं रखा होगा। तो उसकी जो माजी आती हैं वो उन दोनों को डांटती हैं और बोलती हैं कि तुमने ही इन अंडों को छुआ होगा। तो उसकी बहन होती है वो यही सोचती है कि भैया ने उन अंडों को ढंग से नहीं रखा, तो जिस वजह से वो अपने भैया की शिकायत कर देती है कि भैया ने इन अंडों को छुआ। तो उसकी माँ होती है वो उन्हें डांटते हुए समझाती है कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छू देते हैं तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। तो जब उसकी माँ जी को पता चलता है कि केशव ने इन अंडों को छू दिया, तो उसकी माँ जी उसको बोलती है कि तुमने 3 जाने ले ली, तुमने 3 हत्या कर दी और तुम्हें इसका पाप लगेगा। तो केशव यह सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अफसोस के लिए वो सिर्फ उसके पास क्या बचता है, रोना। तो वो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा अफसोस करता है, क्योंकि देखिए जो दोनों बच्चे हैं ये एक बाल सुलभ कहानी है, और जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या काम करना है। वो तो बस उन चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करना चाहते थे, जिस वजह से वो रक्षा करने के रक्षा करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनसे क्या हो जाती है, नादानी। और नादानी के चक्कर में वो 3 जाने या फिर जो 3 अंडे होते हैं वो फूट जाते हैं, कि चिड़िया उन्हें अपना नहीं मानकर उन्हें नीचे गिरा देती है और वो अंडे फूट जाते हैं। तो इस तरीके से जो इसका जो चैप्टर है नादान दोस्त, इसका इस पार्ट की कहानी का सार है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। सबसे पहले अभ्यास के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। क्या सवाल उठते थे स्टूडेंट्स, कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनमें से बच्चे
कब निकलेंगे, आदि आदि इस तरह के उनके मन में सवाल उठते। उसके बाद बोला है, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, क्योंकि देखिए उनके जो पिताजी थे वो दफ्तर जाते और उनकी माँ जी घर का काम करने में व्यस्त होती, जिस कारण उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। तो केशव और श्यामा दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके तसल्ली एक दूसरे को दे दिया करते। नेक्स्ट है, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे। सोचिए स्टूडेंट्स, क्यों रखे? क्योंकि जो केशव था वो चिड़िया और चिड़िया के जो अंडे थे उनकी सहायता करना चाहता था कि चिड़िया इतनी गर्मी में धूप में कहाँ तक जाती होगी दाना पानी लेने, वो थक जाती होगी, तो जिस वजह से उसने वहाँ पर दाना पानी रख दिया ताकि चिड़िया को कहीं दूर ना जाना पड़े। बच्चों, आपने भी कभी इस तरीके की गलती करी है? क्योंकि बचपन होता है, बचपन में तो बहुत सारी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो देखिए, अगर हम बाल सुलभ, जो उनकी बाल सुलभ कहानी है, जो उनके बाल मन की सोच है, उसके आधार पर देखें तो उन दोनों ने तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि अगर वो चिड़िया के अंडों को छू देंगे तो चिड़िया उन्हें सेगी नहीं, तो जिस वजह से वो उन अंडों को गंदा मान लेती है, अपना नहीं मानती, तो जिस वजह से उनसे क्या हो गई, नादानी, कि उन्होंने क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह उनकी नादानी को दर्शाता है। उसके बाद हमारे परीक्षा शैली पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज योर नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? पूरा नेम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ प्रेमचंद दिया है तो हम वही टिक लगाएंगे। नादान दोस्त कहानी में नादान कौन है? केशव। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कॉर्निश पर। केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या चारा लाई? चावल के दाने। केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किस में भरा था? पत्थर की प्याली में। केशव ने घोंसले पर छाया किससे की? कूड़े की बाल्टी से। दोनों बच्चों को किसने सुलाया था? अम्मा जी ने। केशव किस पर चढ़कर घोंसलों तक पहुंचा? स्टूल पर। घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? 3। गद्दी के लिए चिथड़े कौन लेकर आया था? श्यामा, जो केशव की कौन थी? बहन। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? अंडे ने दिखने से। श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया था? केशव के पिटने की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई पिटे। 4 बजे यकायक किसकी आंख खुल गई? अम्मा जी की। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अम्मा जी नहीं आएगा। 4 बजे यकायक किसकी आंखें खुल गई? श्यामा की। ये मिस प्रिंट है। तीनों अंडों का क्या हुआ? गिरकर टूट गए। माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? केशव। अंडे क्यों टूट गए थे? केशव के छूने से। माँ के अनुसार केशव ने कितनी जाने ली थी? 3, क्योंकि अंडे 3 थे। माँ को हंसी क्यों आ गई? केशव की नादानी से, कि उसने उस चिड़िया की और उन अंडों की सहायता करनी चाहिए। अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था? केशव को। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त आज कंप्लीट होता है। तो हमें इस चैप्टर की स्टोरी, मतलब इसका जो लेसन है, वो पार्ट को पढ़ना है और साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।